तो तैयार है बच्चा पार्टी शुरू करते हैं मेरा बच्चा है तू शुरू कर लेते हैं आज का सेशन एवोल्यूशन का काफी हद तक हमने काफी हद तक काफी बातें डिस्कस कर ली है जेनेटिक्स की बातें चल रही हैं रिप्रोडक्शन की बातें हो चुकी हैं अब बात होगी एवोल्यूशन की और जैसा कि आप जानते हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन आप देखोगे एकदम थियरटिकल आता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन अब आने बहुत दिनों से बंद हो चुके हैं लेकिन फिर भी हम इसमें पीवाई के थ्रू वो पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे वो चीजें डिस्कस कर लेंगे जो कि आने की पॉसिबिलिटी होगी अगर कोई पॉइंट ऐसा लगेगा जहां एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है वो आपको जरूर बता दिए जाएंगे फटाफट से कर लेंगे बिना किसी डाउट के बिना किसी डिले के एकदम शुरुआत कर लेते हैं अपने एवोल्यूशन की पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है यह रहा आइडेंटिफाई फॉसिल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो रहा है फॉलोइंग करेक्ट्रिस्टिक्स तो मतलब पी वाई क्यू का ही खेला है सारा अगर आप देखेंगे तो एवोल्यूशन में आप पी वाई क्यू लगा लो सफिशियंट उससे ज़्यादा पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बहुत कुछ है एवोल्यूशन पढ़ते रहो तो एक महीना नहीं खत्म होगा आपका इसलिए पीवाई क्यू बेस्ट टेक्निक है रिवीजन की ब्रेन कैपेसिटी 1400 हंड्रेड सी सी टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी बरीड देयर डेड बॉडीज मतलब रिलीजियस हो चुके थे धर्म का शुरुआत कर लिया था इन्होंने डेड बॉडीज को दफनाने की परंपरा शुरू हो चुकी थी फटाफट से कर लेंगे कौन सा ऑप्शन होगा एनसीआर टी में गिवेन है बेटा ये है होमोसेपियंस नियंडरथिस इन्हें नियंडरथल मैन कहते थे इरेक्टस इरेक्ट मैन है इनकी क्रेनि केपसिटी 900 सीसी के आसपास थी जो रेंज करती थी 900 से 1300 होमो हेबिलिस की क्रेनियल कैपेसिटी 650 से 800 सीसी तक थी और हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करते हैं तो 500 सीसी है आंसर हमारा करेक्ट होगा सी ऑप्शन एकदम फटाक से झटाक से घटैक से करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट <coughs> क्वेश्चन में चलते हैं द नेचुरल सेलेक्शन वेयर मोर इंडिविजुअल्स मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू तो हम नेचुरल सिलेक्शन को तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं लेकिन जब भी ऐसा होगा कि मीन कैरेक्टर को छोड़ करके सिलेक्शन किसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे या तो एक इधर डायरेक्शन में या तो एक इधर डायरेक्शन में तो इसे कहते हैं डायरेक्शनल सेलेक्शन या प्रोग्रेसिव सेलेक्शन इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी है याद रखें अगर एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन में आप बता सकते हैं कि अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू अगर आती है तो इसमें आप याद रख सकते हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज इसका एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल मेलानिजम इसका एग्जाम्पल होगा इसका एग्जाम्पल होगा इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड जो ड्रग रेजिस्टेंस या पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस है पेस्टिसड पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये सारा का सारा खेल जो होगा ये होगा आपका एग्जाम्पल डायरेक्शनल सेलेक्शन का जहां पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर्व शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा तो आंसर सी हो जाएगा बेहतरीन हो जाएगा आंसर बना लेंगे सी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू करेक्ट एग्जांपल ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैव दर्गेजम्ड ड्यू टू चेंजेस इन एनवायरमेंट ब्रॉट अबाउट बाई एंथ्रोपोजेनिक एक्शन एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का मतलब होता है एंथ्रोपस से बना है और एंथ्रोपस का मतलब होता है ह्यूमन ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्शन जहां पे होगा उसे कहेंगे एंथ्रोपोजेनिक एक्शन तो ह्यूमन ने जिन चीजों को एवॉल्व किया है वो है एंथ्रोपोजेनिक एक्शन डार्विन फिंचेस ये डार्विन फिंचेस एक नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है हर्बी साइड रेजिस्टेंस ड्रग रेजिस्टेंस और मैन क्रिएटेड डिफरेंट ब्रीड्स मतलब टू थ्री फोर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहले आपने ये सब किया हुआ है केवल पीवाई के थ्रू आपको यहां पे बहुत सारी जानकारी हो जाने वाली है एक बार रैपिड रिविजन आप कर सकते हो एवोल्यूशन के इस टॉपिक को आप रैपिडली यहां से रिवाइज कर लो बहुत ही बेहतर बहुत ही आसान मिलर का एक्सपेरिमेंट जो मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया था इन फेवर ऑफ ओपेरिन एंड हेल्डेन ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन फेवर ऑफ डॉक्टर ओपेरिन एंड जे बी एस हेल्डेन इनके फेवर में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट को हम स्पार्क डिस्चार्ज ऑपरेटर्स सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं सिम्यूलेट किया था इन्होंने नेचुरल कंडीशन को लैब में क्रिएट करी थी उसे कहते हैं सिम्यूलेशन और जिस ऑपरेटस का इस्तेमाल किया था उसका नाम था स्पार्क डिस्चार्ज ऑपरेटस स्पार्क डिस्चार्ज ऑपरेटस इन फेवर ऑफ कीमोजेनेसिस तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ इसमें ध्यान रखेंगे और यहां पे लिया गया था अमोनिया मीथेन हाइड्रोजन विद वाटर वेपर एट द 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड सेवेंटी फाइव थाउजेंड वोल्ट इलेक्ट्रिक स्पार्क यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था तो ये क्वेश्चन का आंसर आप बना लेते हो डी ऑप्शन बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा यहां एनएच फोर लिखा है रॉन्ग यहां पे आप देखोगे सिक्स हंड्रेड डिग्री सेल्सियस लिखा है रॉन्ग तो ये करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर डी करेक्ट होगा फटाफट से करेंगे ज्यादा डिले नहीं करेंगे इस टॉपिक को फटाक से कंप्लीट करेंगे आफ्टर अबाउट हाउ मेनी ईयर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ लाइफ अपियर ऑफ द प्लेनेट एनसीआर टी में लिखा हुआ है ट्वेंटी बिलियन ईयर्स अगो बिग बैंग थ्योरी कहती है यूनिवर्स की ओरिजिन हुई 4.5 बिलियन ईयर्स अगो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात की जाती है ओरिजिन ऑफ आवर प्लेनेट अर्थ और अर्थ पे पहली लाइफ प्रोबेबली कब तक नहीं आई थी फर्स्ट लाइफ प्रोबेबली नॉट अपियर टिल फोर बिलियन ईयर्स मतलब 500 मिलियन ईयर्स 500 मिलियन ईयर्स टाइम लग गया फर्स्ट लाइफ के अपियरेंस होने में मतलब 4 बिलियन ईयर्स के बाद ही लाइफ अर्थ पे अपियर हुई थी तो फर्स्ट अगर क्वेश्चन आता है फर्स्ट नॉन सेल्यूलर लाइफ कब आई थी फर्स्ट नॉन सेल्यूलर लाइफ कब आई थी इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसेक्राइड मतलब पॉलीमर्स के फॉर्म में पहली लाइफ को हम क्रिएट करने की बात करते हैं थ्री बिलियन ईयर्स अगो जब हम सेल्यूलर लाइफ की बात करते हैं फर्स्ट सेल्यूलर लाइफ की तो 2000 मिलियन ईयर्स अगो या फिर 2 बिलियन ईयर्स अगो तो ये एनसीईआरटी के कुछ खास पॉइंट हैं इनको आपको याद रखना होगा तो प्रोबेबली 500 हंड्रेड मिलियन ईयर्स के बाद ही अर्थ पे लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी अर्थ की ओरिजिन के बाद तो आंसर सी होगा बेस्ट ऑप्शन विदाउट डिले करेक्ट आंसर विल बी सी आगे चलते हैं अगले सवाल पर ऐसा होमिनिड मतलब होमिनोइड है ये ह्यूमन जैसा है ये ह्यूमन लाइक फॉर्म जिसे कहते हैं जावा से इसका फॉसिल मिला था एटीन में एक्सटिंक्ट हो चुका है जिसकी क्रेनियल कैपेसिटी 900 हंड्रेड सी थी वो कौन था होमो इरेक्टस कहा जाता है इस इरेक्टस में आपको अलग अलग फॉर्म्स मिल जाते हैं एक मिलता है डॉक्टर जावा एक मिलता है पेकिंग मैन और एक मिलते हैं हेडलबर्ग मैन हेडल बर्ग मिलते हैं तो आप ज्यादा मत पढ़ो बस इतना याद कर लो कि इरेक्टस के ये तीन एग्जाम्पल हैं बस यही तीन नाम याद कर सकते हो अदरवाइज जर जरूरत नहीं है ओवरऑल इनकी क्रेनियल कैपेसिटी 900 हंड्रेड सी रही होगी ये पहले वो लोग थे जिन्होंने आग का इस्तेमाल शुरुआत करी थी फर्स्ट टाइम यूज ऑफ फायर फर्स्ट टाइम इन्हीं लोगों ने यूज ऑफ फायर किया होगा तो ह्यूमन में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है होमो इरेक्टस के लिए आंसर सी बनाएंगे अगला सवाल फिनोमिन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट लिटरली रेडिएटिंग टू द अदर एरिया ऑफ द जियोग्राफी स्प्रेडिंग टू द डिफरेंट हैबिटेट इज नोन एज रेडिएशन का ही डेफिनेशन है इसलिए इसको सीधा आंसर कर देंगे ऑस्ट्रेलियन हो डार्विन डारिंचज हो ये सारे के सारे एग्जाम्पल डार्विन फिंच हो फिंच ऑफ डार्विन अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हो क्या हो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हो तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं अडेप्टिव रेडिएशन के होंगे आंसर हमारा बन जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल बेहतरीन ऑप्शन बिल्कुल इजी ऑप्शन अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल से संबंधित सवाल होगा हार्डी विनबर्ग संबंधित सवाल होगा तो कह रहे हैं अ लार्ज अजीन लोकस हैज टू ए एंड ए इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील इज कैपिटल ए कैपिटल ए की यहां पे अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं डोमिनेंट एलील की 0.4 है तो अगर हम स्मॉल ए की बात करेंगे तो 0.6 हो जाएगी अब अगर इसका स्क्वायर करते हैं कैपिटल ए इंटू कैपिटल ए मीन्स पॉइंट फोर इंटू पॉइंट फोर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी पॉइंट वन सिक्स क्या आ जाएगी ये आ जाएगी पॉइंट वन सिक्स अगर यही स्मॉल ए स्मॉल ए की बात करेंगे तो ये आ जाएगी पॉइंट सिक्स इंटू पॉइंट सिक्स इज इक्वल टू पॉइंट थ्री सिक्स और यहाँ पे टू पी क्यू आ जाता है कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए इज इक्वल टू अगर हम कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए करते हैं टू पी क्यू की अगर हम बात करते हैं तो टू इंटू पॉइंट सिक्स इंटू पॉइंट फोर करेंगे तो ये आ जाएगा पॉइंट फोर एट क्वेश्चन में क्या पूछा है ध्यान देंगे कह रहे ऐसे इंडिविजुअल्स जो होमोजाइगस डोमिनेंट होते हैं हेटरोजाइगस होते हैं और होमोजाइगस रेसेसिव एलील वाले हैं वो कौन है तो आप देखेंगे कैपिटल ए ए सिक्सटीन परसेंट होते हैं पॉइंट वन सिक्स हो जाएगा पॉइंट टू फोर नहीं होगा ये कैपिटल ए स्मॉल ए मतलब टू पी क्यू आप ध्यान रखेंगे टू पी क्यू पी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल ए कैपिटल ए टू पी क्यू इज इक्वल टू कैपिटल ए स्मॉल ए और क्यू स्क्वायर जो होगा दैट विल बी स्मॉल ए स्मॉल ए तो आंसर हमारा बन जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आंसर बनाएंगे सी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्पीशीज द वेट ऑफ अ न्यू बॉर्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से सुनेंगे कह रहे हैं वेट है न्यूबॉर्न की जो रेंज है वो है दो से पांच किलो की दो किलो से लेकर के पांच किलो तक के बच्चों की रेंज है उसमें से कह रहे हैं कि नाइन्टी सेवन परसेंट ऑफ द न्यू बॉर्न विद एवरेज वेट जो होते हैं वो सरवाइव कर रहे हैं नाइन्टी सेवन परसेंट जो एवरेज वेट वाले हैं वो सरवाइव कर रहे हैं इंटरमीडिएट पॉपुलेशन सरवाइव कर रही है लेकिन एक्सट्रीम जो है ये इधर वाला नहीं सरवाइव कर रहा है और इधर वाले लोग नहीं सरवाइव कर रहे हैं तो इसका मतलब ये किस टाइप का सिलेक्शन होगा जहां पे इंटरमीडिएट सेलेक्ट होते हैं इंटरमीडिएट मीन कैरेक्टर वाले लोग सेलेक्ट होते हैं उसे कहते हैं स्टेबलाइजिंग सेलेक्शन जहां पीक जो होती है वो सेंटर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है जो पीक हो रही है सेंटर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है सेंटर में ये पीक उठती हुई दिखाई दे रही है इसी को कहते हैं हम स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन आंसर बनेगा बी ऑप्शन आंसर विल बी बी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द कॉलम बहुत आसानी से क्रेनियल कैपेसिटी मैच करेंगे होमो होमोहेवलिस की क्रेनियल कैपैसिटी हैंडीमैन की 650 फिफ्टी टू एट फिफ्टी है एट हंड्रेड है नियंडरथल की 1400 है इरेक्टस की 900 हंड्रेड है सेपियंस की 1350 फिफ्टी नीट का क्वेश्चन है आया हुआ क्वेश्चन है पी वाई क्यू क्रेनियल कैपैसिटी एन की ही याद कर लेनी है आपको ए का थर्ड ऑप्शन है ए का थर्ड है ये भी ये भी ये भी बी का होगा फोर्थ ऑप्शन बी का फोर्थ ऑप्शन होगा सी का वन हो जाएगा और डी का टू हो जाएगा एक से एकदम रट डाले हैं आप लोग पी वाई क्यू तो बहुत बार कर चुके हो मुझे लगता है रट चुका होगा ये सब कुछ ये सारे क्वेश्चन रट चुके हैं आपको बेटा ठीक है जी आगे चलते हैं अगला सवाल अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ एग्जाम्पल्स डाइवर्जेंट एवोल्यूशन जब भी हम बात करते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की तो क्वेश्चन में पूछा है कौन सा इनकरेक्ट पेयर है या इनकरेक्ट ऑप्शन है तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन सीधा सीधा होमोलोगस ऑर्गन से रिलेटेड होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में अप्लाई होता है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में अप्लाई करते हैं तो ये दो बातें अगर आपने रट ली तो आपका आंसर गलत होने वाला नहीं है चाहे वो फोर लिम्स ऑफ मैन हो ये भी मैमल ये भी मैमल ये भी मैमल ये हो सकता है ये भी मैमल 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 मतलब ये तीन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि ये सारे के सारे क्लोजली रिलेटेड हैं लेकिन अगर आप ऑक्टोपस की बात करते हो और मैन और बैट की बात करते हो तो ये डिस्टेंटली रिलेटेड है या अन रिलेटेड स्पीशीज कह सकते हो ये डिस्टेंट रिलेटेड स्पीशीज हो सकती है तो यहां पे आंसर आप बनाओगे कन्वर्जेंट एवल्यूशन का है ये रॉन्ग होगा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आंसर विल बी डी ऑप्शन ठीक है बेटा ठीक है बेटा ये हो जाएगा डी ऑप्शन अगला सवाल देखें कह रहे आर्टिफिशियल सेलेक्शन टू ऑप्टेन फिर से वही सवाल है कह रहे एक ऐसा जिसमें आर्टिफिशियल ज़्यादा ज़्यादा जो दूध देने वाली काउज होती हैं ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन को जो फेवर करती हैं उस काउ की तरफ ये शिफ्ट हो रहा है कह रहे जो ज्यादा लैक्टेशन को फेवर करती है वो कौन सा होगा तो आप बता सकते हैं कि ये भी डायरेक्शनल सेलेक्शन कहा जाएगा डायरेक्शनल एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है जिसे प्रोग्रेसिव सिलेक्शन कहेंगे तो स्टेबलाइजिंग नहीं होगा स्टेबलाइजिंग नहीं होगा डिसरप्टिव नहीं होगा केवल एक सिलेक्शन करेक्ट होगा जो मीन को किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा होगा आंसर बी विल बी करेक्ट बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन फ्लिपर्स ऑफ पेंग्विन और डॉल्फिन की अगर बात की जाए फटैक से करेंगे आंसर झटैक से करेंगे एकदम लेट नहीं करना है क्योंकि अब आपका समय हो चुका है अपनी तैयारी का सेल्फ स्टडी का समय हो रहा है जल्दी से इसको फिनिश करेंगे रिवीजन करेंगे रैपिड फायर करके कंप्लीट करेंगे क्लास इलेवेंथ और ट्वेल्थ का सिलेबस जल्दी से फिनिश करके अब आपका रिविजन करने का सेल्फ असेसमेंट का टाइम आने वाला है तो इसलिए अब जल्दी से इसको फिनिश करेंगे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे एनसीआरटी की लाइनों को कवर करता हुआ आपका ये नीट बेस्ड पी बेस्ड डिस्कशन आपका हो हो रहा है बिल्कुल क्लियर बता दे रहा हूं पहले से भी आपको कि इसमें सारे क्वेश्चन आपको जो मोस्टली मिलेंगे वो पी वाई के यहां पर मिलेंगे होमोलॉगी को एक्सप्लेन करता हुआ फ्लिपर ऑफ पेंग्विन और डॉल्फिन पेंग्विन एक बर्ड है और डॉल्फिन एक मैमल है कह रहे है ये दोनों अनरिलेटेड होने के बावजूद भी एक जैसे कैरेक्टर शो कर रही है तो इसे हम कह सकते हैं एनालॉगस स्ट्रक्चर एनालॉगी से रिलेट कर सकते हैं तो इनमें बेस्ट ऑप्शन बनाते हैं हम बी ऑप्शन जो एनालॉगी को शो करता है नेक्स्ट क्वेश्चन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द ह्यूमन एवोल्यूशन अर्ली टू रिसेंट मतलब जो सबसे पुराना था उससे लेके रिसेंट तक जाएंगे तो रामापिथेकस से होमो होमोहैबलिस और फिर ऑस्टेलोपिथेकस ये कहानी यहाँ रॉन्ग हो जाती है सबसे पहले आता है सबसे पहले ड्रायोप्रिथेकस आते हैं ड्रायोपिथेकस आते हैं फिर रामापिथेकस आते हैं रामा पिथेकस आते हैं फिर एनसीआर के अकॉर्डिंग मतलब इसमें और भी आप ऐड कर सकते हो जरूरत नहीं है शिवापिथेकस कीनिया पिथेकस लेकिन उसकी जरूरत नहीं है तो आप यहां से शुरू करेंगे डी से शुरू करें ड्रायो फिर रामा फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस फिर आप ले आओ होमो हैबिलिस क्या ले आओ होमो हैबिलिस फिर ले आओ इरेक्ट मैन जहाँ पे जावा मैन आ जाते हैं इरेक्ट मैन के में जावा मैन आ जाते हैं और फिर आते हैं नियंडरथल मैन एक लाइन चली जाती है इरेक्ट मैन से नियंडरथल मैन पे और दूसरी लाइन जाती है क्रोमैग्नोन और आज का मॉडर्न मैन तो ये करेक्ट सीक्वेंस आप बिल्कुल याद रख सकते हो ड्रायोपिथेकस मोर एप लाइक ड्रायोपिथेकस मोर एप लाइक है रामापिथेकस मोर मैन लाइक है और फर्स्ट होमिनोयड जो अगर पूछा जाएगा तो फर्स्ट होमिनिड जिसे होमिनोयड कहते हैं ह्यूमन लाइक फॉर्म जिसे कहते हैं वो था हैबिलिस हैंडीमैन तो यहाँ पे सीक्वेंस देखें ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद हैबिलिस फिर रामा पिथैकस रॉन्ग है ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद रामा पिथेकस फिर हैबिलिस फिर इरेक्टस ये करेक्ट है रामा के बाद ऑस्ट्रेलो फिर हैबिलिस और फिर रामा के बाद ऑस्ट्रेलो पिथेको हो, हो, हो। सेकेंड वाले में तो ये रॉन्ग हो जाएगा ऑस्ट्रेलो के बाद रामा दिया है ये रॉन्ग हो जाता है ऑस्ट्रेलो के बाद रामा रॉन्ग हो जाता है लेकिन जब आप रामा से आर से ऑस्ट्रेलिया पे जाते हैं और फिर होमोहैबलिस और इरेक्टस पे जाते हैं तो आंसर बना लेंगे डी ऑप्शन बहुत ही आसान एन का ही है इसलिए ज्यादा इसमें लोचा लेने की जरूरत नहीं है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगला सवाल है जेनेटिक ड्रिफ्ट जब भी आपसे कभी कोई पूछे कि व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट तो हमेशा याद रखें जब भी कोई एक्टिविटी जीन से रिलेटेड हो चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी की जब हम बात करते हैं सारे मेथड में चेंज होती है एलील फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे जितने भी डेफिनेशन है चेंज इन एलीलिक फ्रीक्वेंसी जो एलील की फ्रीक्वेंसी है चांस ऑफ अपियरेंस ऑफ एनी एलील है जिसे हम जीन फ्रीक्वेंसी कहते हैं वो चेंज हो रही है किसी भी चांस इवेंट से रैंडमली, रैंडम सेलेक्शन जैसे मान लो कि आपके पास जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इन क्वेश्चन में से रैंडमली जितने भी क्वेश्चन है रैंडम सेलेक्शन हर चैप्टर हर टॉपिक से पांच पांच रैंडम सेलेक्शन कर लिए जाए बिना किसी देखे हुए बिना किसी के कह रहे रैंडमली हमने कोई भी क्वेश्चन पिक कर लिया तो कह रहे कोई भी ऐसी चीज जहां पे चेंजेस रैंडम होते हैं रैंडम सिलेक्शन होता है तो रैंडम सिलेक्शन जो होता है जो किसी भी स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन पे अप्लाई होता है ड्यू टू चांस इवेंट याद रखेंगे जब किसी स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में ड्यू टू एनी चांस इवेंट कोई चेंज होता है तो उसी को कहते हैं तो उसी को कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट तो आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ठीक है जी ठीक है जी ठीक है जी चलो आगे चलते एनालॉगस स्ट्रक्चर और एनोलॉगी होमोलॉजी में सिंपल फर्क है होमोलॉजी क्या कहता है होमोलोगस ऑर्गन जो होते हैं होमोलॉगस ऑर्गन जो होते हैं वो हाई डेफिनेशन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं और एनालॉगस ऑर्गन जो होते हैं वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन तो यहाँ पे आप ए सी एनालॉगस विद कन्वर्जेंट एच डी हाई डेफिनेशन होमोलॉगस विद डाइवर्जेंट कर सकते हो कह रहे दो दो अलग अलग स्पीशीज के लोग अनिलेटेड स्पीशीज के लोग सेम एरिया में एंटर करते हैं तो उनके कैरेक्टर कुछ सिमिलर हो जाते हैं जो कि डिस्टिंक्ट ओरिजिन के

अगला सवाल फॉलोइंग आर द टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आया था तो लोगों के दिमाग में खलबली मच गई थी हलबली मच गई थी लोगों को डर लगने लगा था कि क्या ऐसे सवाल भी आते हैं लेकिन ये बहुत आसान सवाल था आप अगर लॉजिक लगाओगे तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कह रहे हैं अर्लिएस्ट ऑर्गेनिज्म दैट ऑन अर्थ वर नॉन ग्रीन ठीक है अभी ऑक्सीजन और सनलाइट को यूज करने वाले ऑर्गेनिजम्स नहीं आए थे तो एनारोबिक हो सकते हैं पहले ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो थे वो कीमो ऑटोट्रॉफ रहे होंगे पहली लाइफ जो आई थी वो आई थी कीमोहेटरोट्रॉफ लेकिन यहां क्वेश्चन में पूछा है पहली लाइफ कैसी पहला ऑटोट्रॉफ किस फॉर्म में आया था तो पहला ऑटोट्रॉफ कीमो ऑटोट्रॉफ आया था जो सीक्वेंस था सीक्वेंस वाज फर्स्ट लाइफ अवॉर्ड जो पहले ऑर्गेनिज्म आए थे वो कीमोहेट्रोट्रॉफ थे हेटरोट्रॉफ जो डिपेंड करते हैं फूड बाहर से दूसरे सोर्सेस से ले रहे हैं कीमो हैट्रोट्रॉफ कह रहे हैं लेकिन अब अ, अपने दिमाग में एक सवाल आ जाएगा कीमो हैट्रोट्रॉफ के बाद कीमो ऑटोट्रॉफ आए थे अब आप पूछ सकते हो यहाँ पे ऑटोट्रॉफ तो, तो पहले आने चाहिए थे सर जी ऑटोट्रॉफ तो पहले आने चाहिए थे लेकिन मार्ट साहब यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ ऑटोट्रॉफ नहीं पहले हेट्रोट्रॉफ आया था तो कैसे हुआ होगा ये तो समझने वाली बात है बेटा कि यहाँ पे वाटर बॉडी के अंदर डीप वाटर के अंदर जब लाइफ ओरिजिनेट हो रही थी तो यहाँ पे खूब सारी सिंपल शुगर्स और ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल था पानी के अंदर खूब सारा ऑर्गेनिक मसाला अवेलेबल था तो जो ऑर्गेनिज्म बन रहे थे उनके पास ऑलरेडी खूब सारा फूड अवेलेबल था तो काहे अपना खाना खुद से बनाए जब खाना खुद से अवेलेबल है फूड खुद खुद से इतना सारा खूब सारा अवेलेबल है सूप मौजूद है पहले से ही बना बनाया सूप तो इन्होंने सड़प सड़प करके सड़प सड़प करके इन्होंने वहीं खाना शुरू कर दिया इन्होंने ऑर्गेनिक मसाला खूब ऑर्गेनिक बना दिया एकदम मसालेदार जो मसाला पहले से था उस लाल सूप को जिसे हेल्डेन ने कहा था लाल सूप है ये रेड ओशनिक रेड हॉट सूप है उसी को खाना शुरू कर दिया लेकिन अब क्या हुआ अब कंपटीशन शुरू हो गया हर कोई लाल सूप खा रहा है हर कोई लाल सूप खा रहा है हर कोई लाल सूप खा रहा है कंपटीशन बढ़ता चला गया तो जब कंपटीशन बढ़ता चला गया तो क्या हुआ भाई साहब लड़ाई हो गई इसी लड़ाई बाहरी में अर्जन वैली वाली लड़ाई में क्या हुआ भाई इस अर्जन वैली वाली लड़ाई में ना तो अब यहां पे क्या हो गया लड़ाई भारी हुई कंपटीशन बढ़ा तो जब कंपटीशन बढ़ा तो कुछ गरीबों ने क्या कहा? कहा कोई बात नहीं हम अपना खाना खुद से बना लेंगे क्या बोला कहा अपना खाना खुद से बना लेंगे भाई कह रहे भाई सुन नहीं सकता कह रहे भाई को सुनाई नहीं देता कह रहे ये भाई बोल नहीं सकता तो कह रहे बड़ा बढ़िया कॉम्बिनेशन है एक भाई बोल नहीं सकता एक भाई सुन नहीं सकता तो किसी ना किसी एक को तो जाना पड़ेगा जो डोमिनेंट थे वो अपनी जिंदगी जी रहे थे जो गरीब थे उन्होंने क्या शुरू किया अपना खाना खुद बनाना शुरू किया तो अब कह रहे हैं जब कॉम्पिटिशन बढ़ा तो हेटरो वाले शिफ्ट हो गए ऑटो वाले की तरफ तो लाइफ में पहले आए हेटरो फिर आए ऑटो तो ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया इन गरीबों ने अपना ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया तो कीमो हेट्रोट्रॉफ आए थे फर्स्ट लाइफ लेकिन जब पूछा जाएगा पहले ऑटोट्रॉफ कौन थे तो आप बताओगे कीमो ऑटोट्रॉफ थे बहुत आसान सा सवाल है लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही होना चाहिए बोथ ए एंड बी आर करेक्ट आंसर सी कर लोगे क्या करोगे आंसर सी करोगे बोथ ए एंड बी आर कोरेक्ट अगला सवाल विच इज मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन द पॉपुलेशन सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो लैंगिक प्रजनन करते हैं जो गैमीट फॉर्मेशन करके गैमीट का फ्यूजन करते हैं ऐसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक वेरिएशन का सबसे कॉमन मैकेनिज्म क्या हो सकता है तो देखिए जेनेटिक ड्रिफ्ट बाई चांस है ये ये हो सकता है नहीं हो सकता है कोई चांस इवेंट है तूफान आया कई सारे लोगों को उड़ा ले गया कुछ रह गए ये चांस इवेंट है अगर एक बैग के अंदर सौ एक रुपए का सिक्का दो रुपए का सिक्का पांच रुपए का सिक्का बीस रुपए का सिक्का पचास रुपए का सिक्का रखा है और आपसे कहा जाए हाथ डाल करके आंख बंद करके निकालो उसमें से कोई कह रहा है ये चांस इवेंट है कि आपके हाथ में पांच रुपए का सिक्का आएगा कि पचास रुपए का सिक्का आएगा पांच कलर की बॉल अलग अलग रखी और सब बॉल का नंबर है दस 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 अलग अलग कलर की बॉल है आपसे कहा रेंडम पिक करो कोई चांस इवेंट है कि कोई भी इवेंट कोई, कोई भी कलर की बॉल आप हाथ में उठा लो ये चांस इवेंट है ऐसी ही इवेंट को चांस इवेंट कहते हैं तो जब चांस इवेंट हो तो उसे कहेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट और जब बात आती है रिप्रोडक्शन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की तो शुक्राणु मेल मेल गैमीट पैटर्नल फैमिली से और ओवर मैटर्नल फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव होता है ये दो अलग अलग खानदान के लोग होते हैं और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसी वजह से जो बिंगो कॉम्बिनेशन बनाया जाता है इस जाइगोट के अंदर वेरिएशन के चांसेस आते हैं तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से वेरिएशन आती है आंसर सी बनाएंगे आंसर सी बनाएंगे चलो आगे चलते हैं द पॉपुलेशन विल नॉट एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम का मतलब होता है पी और क्यू का सम टोटल वन के बराबर होना पी प्लस क्यू एलील की फ्रीक्वेंसी जेनरेशन बाई जेनरेशन कांस्टेंट रहती है यह हमेशा कांस्टेंट रहेगी और कह रहे है ये कब तक कह रहे है कि इसमें विल नॉट एग्जिस्ट ये इक्विलिब्रियम कब नहीं एग्जिस्ट करेगा देर इज नो माइग्रेशन तो ये करेगा पॉपुलेशन लार्ज होगी करेगा मेट सेलेक्टिवली नहीं करेगा नो no म्यूटेशन करेगा तो कह रहे एक सिचुएशन ऐसी है जहां सेलेक्शन करके मेटिंग कराई जा रही है भाई साहब बुरा हो गया जीवन में कह रहे अलग, अलग अलग रंग की चिड़ियां मान लो हैं अलग अलग, अलग रंग की चिड़ियां मान लो हैं ये और कोई आया सेलेक्टर कह रहे कोई बर्ड आई और किसी बर्ड ने सेलेक्ट किया शादी करने के लिए पिंक कलर वाली चिड़िया को खाली पिंक कलर वाली चिड़िया को सेलेक्ट किया तो इस सेलेक्शन के बाद क्या होगा इसकी वजह से जो अपॉर्चुनिटी थी इस पीली को इस सफेद को इन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी अगर धरती की सारी लड़कियां इस धरती के सबसे खूबसूरत इंसान से विवाह करने लगेंगी तो बाकी सारे कहां जाएंगे भाई साहब बाकी सारे कहाँ जाएंगे बाकी सब के सब क्या हो जाएंगे ख़त्म होने लगेंगे बर्बाद होने लगेंगे क्राइम बढ़ जाएगा इस धरती का महाविनाश आ जाएगा और इसी महाविनाश को हम क्या कहेंगे इसी परिवर्तन को इसी महाविनाश को एवोल्यूशन कहेंगे कह रहे उसी एवोल्यूशन को प्रिवेंट करता है ये इक्विलिब्रियम कहता है तब तक कांस्टेंट रहेंगी जब तक लोग इंटरैक्ट करते रहेंगे तो कह रहे ये वैरायटी आती रहेगी कह रहे ये सब जिंदा रहेंगे सेलेक्टिव मेटिंग करोगे बर्बादी आ जाएगी तो ये बर्बादी क्या होती है पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन को डिस्टर्ब कर देती है इक्विलिब्रियम चेंज हो जाता है तो बाकी सब मेंटेन करते हैं पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन को केवल एक सिचुएशन ऐसी है जो नहीं मेंटेन करती है वो है जे वाली तो आंसर हो जाइबा सी आंसर क्या हो जाए सी हो जाए अगला सवाल फोर लिम्स ऑफ कैट लिजर्ड यूज इन वॉकिंग बिल्लियां तो नोचने में भी यूज करती हैं लेकिन फिलहाल कह रहा है फोर लिम्ब वॉकिंग में यूज़ होता है वेल्स भी स्विमिंग में यूज करती है और जो फोर लिम्स ऑफ बैट है वो फिलाइंग में यूज़ होता है मतलब सेम ओरिजिन सेम प्लान बट फॉर सिमिलर फंक्शन इसी को का कहते हैं इसी को हम कहते हैं होमोलॉगी का कहते हैं इसको इसी कहते हैं होमोलॉगी और होमोलॉगी से एक्सप्लेन किया जा सकता है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को तो बाकी सारा बकवास है खाली एक खलास है आंसर सही हो जाएगा डॉक्टर डी क्या हो जाएगा डॉक्टर डी अगला सवाल ये आसान सा सवाल है आप देखेंगे बहुत ही आसान हार्डी अंकल को हार्डी भाई के लिए ये हमारा हार्डी भाई को समर्पित है डॉक्टर हार्डी और डॉक्टर विनबर्ग के लिए मैथमेटिकल आइडिया इन्होंने दिया था बायो में मैथमेटिक्स घुसेड़ करके बच्चों की वॉट लगा दी थी इन लोगों ने बच्चों को जिन्होंने मैथ से भागने के लिए बायो लिया था उन बच्चों को मैथ लगाने पर मजबूर कर दिया था तो हार्डी भाई को सैल्यूट भी है और गुस्सा तो आता ही होगा आप लोगों को हैं बायो में मैथ घुसेड़ दिए कोई बात नहीं कह रहे 360 बिलोंग टू जीनो टाइप कैपिटल ए कैपिटल ए डोमिनेंट है मतलब पी स्क्वायर इज इक्वल टू 360 बोला है 360 का गणित में मतलब होता है 36 प्रतिशत जैसे सौ में 36 होता है वैसे 1000 में 360 हो सकता है ये मैथमेटिक्स सबको आती होगी प्रणाम करता हूं नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं आप ऐसे भी कर सकते ऐसे लिखो एक हजार में तीन सौ साठ सौ में कितना एक एकर एक सुन्ना निकाले इसका भी एक सुन्ना निकाल दिया कितना हुआ छत्तीस तो सौ में छत्तीस परसेंटेज आ गया छोड़ 30 प्रतिशत कितना गया 36 प्रतिशत और 36 प्रतिशत को लिख सकते हो .36 का है फ्रैक्शनल वैल्यू है 36 बटा 100 कर दोगे परसेंट हटा दोगे तो आ जाएगा .36 और P स्क्वायर इज इस इक्वल टू .36 है तो P बराबर कितना हो जाएगा रूट पॉइंट थ्री सिक्स और तो पी बराबर हो जाएगा रूट दस छः गुड़े छुड़े छः बराबर छो छः मतलब P बराबर दसमलव तो Q बराबर दशमलव चार और टू पी क्यू बराबर दुई इंटू पॉइंट छ इन पॉइंट फोर बस यह है, गणित है और कुछ नहीं है खत्म है कहानी एकदम आसान एकदम आसान तो देखेंगे कहां से गणित आई ये वाली देखेंगे कह रहे क्वेश्चन क्या पूछा इसे डेटा को देखे और फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए निकालनी है अरे हम तो पहले ही निकाल चुका हूं क्या कह रहे P बराबर इतना तो पॉइंट सिक्स क्या हो जाएगा A एलील डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी पॉइंट सिक्स है तो रिसेसिव की कितनी हो गई पॉइंट फोर हो जाएगी तो पूछा है आपसे एलिल A डोमिनेंट का तो डोमिनेंट का पॉइंट सिक्स हो जाएगा आसान है रेसेसिव का पूछा होता तो आप ई वाला बता सकते थे लेकिन आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन एकदम सिंपल गणित है सिंपल मैथमेटिक्स है बेटा एकदम बढ़िया आगे वेरिएशन इन जीन फ्रीक्वेंसी विद इन पॉपुलेशन कैन कर बाई चांस आ गया चांस इवेंट तो जब कह रहे कोई भी चांस मौका लग जाए भाई साहब तो जिंदगी में जब मौका अच्छा होता है चांस लग जाता है तो इसी चांस से जेनेटिक ड्रिफ्ट, बनती है, इसी को जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं आंसर बनाते हैं बी नीट को जेनेटिक ड्रिफ्ट बहुत पसंद है तो आप भी इसको याद कर लेंगे एवोल्यूशन एक बच्चा पूछ रहा है कौन सा चैप्टर बेटा ये ओव्यूलेशन चैप्टर है क्या चैप्टर है चैप्टर का नाम है ओव्यूलेशन ठीक है आधा से ज्यादा ओव्यूलेशन ही समझ लोगे तुम लोग इसीलिए साफ बोल दिया ओव्यूलेशन है यह ठीक है जी आगे चलते हैं प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एवॉल्व सिमिलर फिनोटिप अरे डिफरेंट खानदान के लोग जब एक एरिया में पहुंचते हैं और उनके लक्षण एक जैसे हो जाते हों तो उसी को कहते हैं हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन मतलब कन्वर्ट हो गए ये लोग ये लोग क्या हो गए कन्वर्ट करा लिया अपना अपना खानदान बदलवा दिया इन लोगों ने कह रहे ए थे बी थे से दूसरे एरिया में गए तो दोनों के दोनों ए और बी दोनों मिल गए और डी बन गए मतलब बताइए परिवर्तन कन्वर्जन है ये और इस कन्वर्जन को बर्दाश्त नहीं करेगी हमारी सरकार इसका मुद्दा उठाया जाएगा आगे की सरकार में तो आंसर यहां पे बनाएंगे सी बेहतरीन अगला सवाल विच वन ऑफ द फॉलोइंगेक्ट एग्जाम्पल इच ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन करेक्ट है कौन सा कन्वर्जेंट मतलब कौन बोन ऑफ फोर नहीं ये तो बॉग इन विलियन नहीं ये भी ये सॉरी ये होमोलॉगी है कौन है होमोलॉगी है होमोलॉगी है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स ई होगा एनालॉगी और कन्वर्जेंट तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन सही बनेगा और वो होगा सी ऑप्शन सी ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू की कंसर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बट बहुत ही आसान सवाल है डार्विन की थियरी जो डार्विन साहब थे जिनका जन्म उस समय हुआ था जब लेमार्क अपनी बुक पब्लिश करा रहे थे उस समय इनका जन्म हुआ था अठारह सौ नौ में और डार्विन साहब ने उन्नीस सौ इकतीस से लेकर के उन्नीस सौ पैंतीस तक घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे घूम नॉट उन्नीस सौ एटीन हंड्रेड बेटा बहुत ज्यादा समय हो गया एटीन थर्टी वन से एटीन थर्टी सिक्स तक ये घूमते रहे गैला पगोजाइले पर पहुंचे और वहां पे जाकर उन्होंने जब स्टडी करी टी आर मालथस ने जो एस से लिखा था पॉपुलेशन तो उसको उन्होंने पढ़ा तो इस सारी कहानी को कंक्लूड करके डार्विन ने अपनी थियरी दी और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट था ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन इन्होंने कहा था नेचर सेलेक्ट करेगी अगर आप फिट हैं तो सब कुछ नेचर पे छोड़ दीजिए अगर बच्चा पैदा करने की एबिलिटी है खूब सारे बच्चे आप पैदा कर सकते हैं विपरीत से विपरीत कंडीशन में भी आप बच्चा पैदा करने की एबिलिटी रखते हैं ताकत रखते हैं गूदा रखते हैं अपने अंदर तो इसका मतलब ये मान के चले कि आप फिट हैं ये डार्विन साहब ने कहा था इसमें मेरा कोई रोल नहीं है इसलिए आप इसको केवल याद कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा बेटा डॉक्टर डार्विन का डी ऑप्शन फिर आते हैं कोय सर्वेट्स ये प्रोटोबायोन मतलब लाइफ पहले किस रूप में आई थी हर लोगों ने सवाल पूछा ओपेरिन ने कहा कोएसरवेट डॉक्टर ओपेरिन ने कहा ए आई ओपैरिन अलेग्जेंडर इर्विन ओपेरिन इन्होंने कहा था कि ये कोय सर्वेट थे और कोयसरवेट किस फॉर्म में आए थे ये वो प्रोटोबायोन थे जो प्रोटीन पॉलीसेक्राइड और वाटर के मिक्सचर थे तो पहली बार प्रोटीन और पॉलीसेक्राइड जब मिली थी तो कोय सर्वेट्स बने थे इन्होंने उसे फर्स्ट लाइफ मान लिया था इन्होंने कहा यही है फर्स्ट लाइफ कोय सर्वेट एवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस मतलब कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की बात कही गई और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या कहता है डिफरेंट ओरिजिन वाले लोग जब सिमिलर एनवायरमेंट में पहुंचते हैं तो वो एक जैसे हो जाते हैं इसी को कन्वर्जेंट कहा जाता है डेवलपमेंट ऑफ डिसिमिलर कैरेक्टर रॉन्ग डेवलपमेंट ऑफ कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टर इन ग्रुप ऑफ डिफरेंट एंसेस्ट्री ठीक लग रहा है डेवलपमेंट ऑफ रैंडम मेटिंग नहीं डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैरेक्टर इन डिफरेंट ग्रुप्स रिप्लेसमेंट ऑफ कॉमन कैरेक्टर बोला है रॉन्ग हो जाएगा तो हमारा एक ही ऑप्शन सही होता है बी ऑप्शन बिल्कुल रैपिड रैपिडो की तरह चल रहे हैं हम लोग अगला ऑप्शन अगला सवाल आता है गिवन फिगर शोज फिगर देखें और आंसर बताएं कह रहे हैं यहां टेंड्रिल है जो क्वाइल दिख रहा है कुकर बिटा में और इधर थॉर्न दोनों के दोनों मॉडिफिकेशन ऑफ द एक्सिलरी बड होते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम कहे जाते हैं लेकिन फंक्शन वाइज देखोगे तो एक करता है प्रोटेक्शन का फंक्शन और एक प्रोवाइड करता है सपोर्ट तो टेंड्रिल टेंड्रिलोवाइड सपोर्ट और थॉर्न प्रोवाइड प्रोटेक्शन बट ओरिजिन इनकी सेम है तो ये दोनों के दोनों होमोलॉगी को शो करते हैं ये दोनों के दोनों डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करते हैं तो इसका मतलब ए सी यहाँ पे आपका सही होगा होमोलॉगी भी सही होगा और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन भी सही होगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इंडस्ट्रियल मिलेजम मतलब औद्योगिक कृष्णता की बात की जा रही है ये बात की जा रही है इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति की बताया जा रहा है कि जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी उससे पहले माहौल बिल्कुल बढ़िया था पेपर उस समय जो था उस समय जो मौत की वैरायटी थी आर्थ्रोपोर्ड के इंसेक्टा के मेंबर्स की जो वैरायटी थी कह रहे उसमें डार्क विंग और ब्लैक विंग वाले लोग पाए जाते थे कह रहे कौन सरवाइव किया कौन जिंदा रहा कौन नहीं रहा उसी पे कहानी आधारित है तो कह रहे हैं उसी इंडस्ट्रियल मेलानिज्म को अगर देखेंगे पेपर्ड मौत में क्या प्रूव करता है कह रहे डार्क मेलानिक फॉर्म जो था उस मौत के पास कोई सेलेक्टिव एडवांटेज नहीं थी ओवर लाइट फॉर्म इन इंडस्ट्रियल एरिया रॉन्ग है काले वाले दिखाई नहीं देते थे मतलब इस काली दीवार पे अगर मैं काली मौत बना रहा हूं ये देखो इस बोर्ड पे मैंने काली मौत बनाने की कोशिश की नहीं बन पा रही है लेकिन अगर वही मैं लाइट वाले जो वाइट कलर वाली थी अगर मैं उन्हें बनाने की कोशिश करता हूं तो ये बड़ी आसानी से दिखाई दे रहे है इसका मतलब पॉल्यूटेड एरिया में काले वालों को खूब फायदा हुआ होगा उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई होगी लाइटर फॉर्म जो थे हैज नो एडवांटेज इधर इन द पोल्यूटेड एरिया और नॉन पोल्यूटेड नहीं उनको नॉन पोल्यूटेड एरिया में फायदा हो रहा था मतलब ये भी गलत हो जाएगी कहानी मेलानिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जो पॉल्यूशन से रिलेट किया गया मतलब वहाँ पे पॉल्यूशन से इन्होंने इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म को रिलेट किया लोगों ने वहां पर बताया कि ऐसा हो सकता है लेकिन लास्ट पॉइंट कहता है द ट्रू ब्लैक मिलानिक फॉर्म एस्केप्ड अनोटिस्ड सो दे मैनेज्ड टू सर्वाइव रिजल्टिंग इन मोर पॉपुलेशन ऑफ ब्लैक मॉथ इन इन पॉल्यूटेड एरिया तो यहां पर ट्रू ब्लैक मिलेनिक फॉर्म जो था ट्रू ब्लैक मिलानिक फॉर्म एस्केप्ड अनोटिस्ड सो दे मैनेज टू सरवाइव रिजल्टिंग इन मोर पॉपुलेशन तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं ये ऑप्शन जो था वो कह रहा है कि जो ब्लैक वाले फॉर्म रहे होंगे अगर हम कहें हम कहें तो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म की कहानी बिल्कुल सिंपल थी कि जो ट्रीज के बार्क थे अगर हम कंडीशन वाइज डिवाइड कर दें तो मान लो कि ये ट्रीज थी तो इनकी बार्क जो पॉल्यूटेड एरिया था उससे कंपेयर करोगे आप अगर मान लो कि ये मान लो कि नॉन पॉल्यूटेड एरिया है नॉन पॉल्यूटेड एरिया है और दूसरा जो हम बना रहे हैं ये वो कंडीशन है जब पॉल्यूशन शुरू हो गया था कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज आ गई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था तो ट्रीज के ऊपर सूट डिपॉजिट हो चुकी थी तो कह रहे अगर नॉर्मल कंडीशन थी नॉन पोल्यूटेड एरिया था तो यहां पे आपको मिल जाते हैं नॉन पोल्यूटेड एरिया में आपको मिल जाते हैं कि इनके ऊपर लाइकन डिपॉजिटेड थी इन ट्रीज पे लाइकन like डिपॉजिटेड थी तो अगर लाइकन like डिपॉजिटेड थी तो इस पे व्हाइट वाली जो व्हाइट विंग वाली रही होंगी इन वाइट वालों को सेलेक्टिव एडवांटेज मिली होगी ब्लैक वाले मरने लगे होंगे वही अगर पॉल्यूटेड एरिया में आप देखोगे वही अगर पॉल्यूटेड एरिया में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ब्लैक वाली थी उनको सर्वाइवल होना काफ़ी इजी हो गया था ब्लैक मेलानिक फॉर्म का सर्वाइवल आसान हो गया था ये सर्वाइव कर गए थे क्योंकि वाइट वाले यहाँ आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाते थे इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर जाती थी ये ब्लैक वाले सर्वाइव कर गए थे तो यहां पे बेस्ट ऑप्शन जो हमारा होगा बेटा बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा कि ब्लैक वाले कैसे सरवाइव किए पॉल्यूटेड एरिया में ट्रीज की बात से जब लाइकेन डिसअपियर हो गया था तो उनका सर्वाइवल का चांस बढ़ गया था लाइकेन डिस लाइकेन डिस हो गए थे लाइकेन का डिस हो गया था लाइकेन डिस अ पी Ard. और यहां पे नॉन पॉल्यूटेड एरिया में प्रेजेंट थे जो पॉल्यूशन फ्री एरिया का इंडिकेटर होते हैं पॉल्यूशन फ्री एरिया का इंडिकेटर होते हैं तो बेस्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन अगला सवाल लेकर के चलते हैं ओरिजिनल फीचर ऑफ डार्विन फिंचेस आइलैंड अडेप्टेड फॉर तो ओरिजिनल फीचर की अगर हम बात करते हैं ओरिजिनल फीचर जो था वो सीड ईटिंग बीक वाले थे यही लोग जब यहाँ से कह रहे नॉर्मल साउथ अमेरिकन रीजन से यहाँ से उड़ करके आगे पहुँचे तो ये पहुँचे गैलापगोज आइलैंड पे वहाँ पे डिफरेंट फीडिंग हैबिट की वजह से इनके बीक का शेप मॉडिफाई हो गया कोई इंसेक्ट ईटिंग बन गया कोई व, आ, कोई जो था वो सीड ईटिंग से मॉडिफाई होकर के कैक्टस फीडिंग बन गया कैक्टस खाने के लिए इन्होंने अडेप्टेशन कर ली किसी ने अडेप्टन कर ली फ्रूट खाने के लिए और किसी ने अडेप्ट कर लिया इंसेक्ट खाने के लिए लेकिन ओरिजिन जो था ओरिजिन जो था वो सीड ईटिंग बीक से हुई थी तो आंसर लिखेंगे सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखेंगे डार्विन फिंचेस आर द एग्जाम्पल ऑफ फाउंडर्स इफेक्ट जेनेटिक ड्रिफ्ट का भी एग्जाम्पल है ये ये फाउंडर्स इफेक्ट का भी एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है आपका स्पीसीएशन का भी एग्जाम्पल है नहीं लिखेंगे एनसीआरटी में नहीं है बस खाली आप लिख लें अडेप्टिव रेडिएशन एंड फाउंडर्स इफेक्ट अडेप्टिव रेडिएशन एंड फाउंडर्स इफेक्ट ये एलोपैट्रिक स्पीशिएशन भी कहे जाते हैं आप लिखने की ज़रूरत तो नहीं है आप बस चाहें तो मतलब समझ सकते हैं मैं लिख देता हूँ अपने एंड से कि ये एलोपैट्रिक स्पीशिएशन का भी एग्ज़ाम्पल है जब डिफरेंट स्पीशीज एक पर्टिकुलर एरिया से किसी दूसरे जियोग्राफिकल एरिया में एंटर करती है उस जियोग्राफिकल एरिया में जो उसके अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन डेवलप होता है अपने ही स्पीशीज के मेंबर से जो वो अनरिलेटेड स्पीशीज बन जाती हैं रिप्रोडक्टिव बैरियर्स बना लेती हैं तो इसी को कहते हैं हम एलोपैट्रिक स्पीसिएशन तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन तेजेनियन वॉल्फ और ऑस्ट्रेलियन मारसूपियल की हम बात करें सिमिलर इन अपियरेंस टू द प्लेसेंटल वॉल्फ तो अगर हम इनको रिलेट करते हैं ड्यू टू द फैक्ट दैट कह रहे हैं अगर इनको कंपेयर करें तस्मोनियन वॉल्व को प्लेसेंटल वॉल्व से तो मारसूपियल एंड प्लेसेंटल वॉल्व आर वेरी क्लोजली रिलेटेड एक दे शो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो कर रहे हैं अंडर वेंट सिमिलर सेलेक्शन प्रेशर मारसूपियम एंड प्लेसेंटल वेस्टिजियल स्ट्रक्चर रॉन्ग है ये अंडरवेंट सिमिलर सेलेक्शन प्रेशर इनके ऊपर सेलेक्शन प्रेशर अगर सेम रहा होगा तो इन्होंने क्या किया होगा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन किया होगा क्या किया होगा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को इन्होंने शो किया कह रहे हैं डिफरेंट लोग थे ये डिफरेंट लोग थे अलग अलग अडेप्टिव रेडिएशन के रिजल्ट थे और जब सेम एरिया में एंटर किए तो इन्होंने सिमिलर टाइप के ट्रेड शो करना शुरू किया तो इसी को कहते हैं ड्यू टू सेलेक्शन प्रेशर जब इस तरह का एवोल्यूशन होता है तो इस तरह के कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को हम पैरलिज्म से भी रिलेट करते हैं पैरल एवोल्यूशन भी कहते हैं तो आंसर बना लेंगे सी ऑप्शन क्या करेंगे सी ऑप्शन करेंगे लेमार्क की थियरी जो थी वो यूज एंड डिस डार्विन ने बताया था रिप्रोडक्टिव फिटनेस ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन के बारे में लेमार्क ने बताया था थियरी ऑफ यूज एंड डिस ऑफ ऑर्गन इसी थियरी को कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स क्या कहते हैं इसे कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स क्वायर्ड कैरेक्टर्स भी कहा जाता है तो इंपॉर्टेंट है इसको याद रखेंगे आंसर बना लेंगे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन ह्यूगो डिवरीज व्रीज डी व्रीज जो कि रीडिस्कवरर थे मैंडलियन वर्क के वन ऑफ द रीडिस्कवरर ऑफ द मेंडेलियन वर्क मेंडल साहब ने जब वर्क किया तो उस समय किसी ने नोटिस नहीं किया लेकिन उसके कुछ समय के बाद 1900 और 1901 में जब लोगों ने इसको रीडिस्कवर करने की कोशिश की तो डी व्रीज वॉज द वन पर्सन जिन्होंने रीडिस्कवरी में मेजर योगदान दिया था उसमें से एक कार्ल कोरेंस और एक वॉन शर्माक भी थे इन लोगों ने मिलकर के चीजों को एक्सप्लेन किया मैंडेलियन वर्क को रिडिसकवर किया और इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था इवनिंग रोज जिसका नाम था इनो थेरा लेमार किया ना तो इनोथेरा कि कोई ऐसी चीज होती है जिसे डिसकंटिन्यूस वेरिएशन कहा जाता है कोई ऐसी चीज़ होती है जो सॉल्टेशन कही जाती है सिंगल स्टेप में लार्ज म्यूटेशन कर लेती है सिंगल स्टेप में लार्ज म्यूटेशन करती है उसे म्यूटेशन या डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन कहा जाता है तो म्यूटेशन विच इज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन डिस डिसकिन्यूअस वेरिएशन कंटिन्यूस वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिसकंटिन्यूस वेरिएशन अकॉर्डिंग टू दिस थियरी डिवरीज ने डिसकंटिन्यूस वेरिएशन को एक्सप्लेन किया था सॉल्टेशन के बारे में बताया था इन्होंने बताया था म्यूटेशन एक ऐसा सोर्स है जो रॉ मटेरियल की तरह काम करता है एवोल्यूशन में म्यूटेशन एक ऐसा रैंडम चेंज है सडन चेंज है जो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है एक डायरेक्शन लेस होता है ये एक डायरेक्शनल डायरेक्शन लेस चेंज होता है डायरेक्शन लेस होता है लेकिन यही चीज कंपेयर में पूछी जाती है अगर डार्विन के हिसाब से वेरिएशन को देखा जाए तो डार्विन ने कहा था छोटे छोटे एक्यूमुलेटेड वेरिएशन है नॉर्मली पॉपुलेशन में आने वाली चेंज छोटी स्मॉल एक्यूमलेटेड वेरिएशन से आती है डार्विन साहब ने कहा था लेकिन उन्होंने कहा नहीं ऐसा छोटी छोटी एक्यूमलेशन नहीं होती एकदम से सडन चेंज हो जाता है और बहुत बड़ा चेंज आता है एक ही स्टेप में बहुत मेजर चेंज आता है ऑर्गेनिज्म में तो आंसर हम सी बना लेंगे वो तो हो गया केवल आंसर के लिए लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना होगा डार्विन की वेरिएशन डायरेक्शनल थी इनकी डायरेक्शन थी डायरेक्शन लेस थी याद रखेंगे म्यूटेशन थियरी के अकॉर्डिंग हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन है पूछा है करेक्ट क्या है एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड देन देयर विल बी नो एवोल्यूशन अच्छी बात है द जीन पूल टोटल जीन्स इन द पॉपुलेशन कह रहे हैं रिमेन कॉन्स्टेंट विच इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम ये भी सही बात है सम टोटल ऑफ ऑल एलील मतलब ये तीनों पॉइंट हार्डी विनबर प्रिंसिपल जिसे हम पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन से प्रेजेंट करते हैं एज इक्विलिब्रियम एज इक्विलिब्रियम स्टेटमेंट पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन समोटलेशन देर नो चेंज टिल द स्पेसिफिक फैक्टर्स आर अप्लाइड इन अ स्मॉल पॉपुलेशन विच इज परफॉर्मिंग सेलेक्टिव मेटिंग नॉन रैंडम मेटिंग ध्यान रखेंगे तो आंसर ऑल ऑफ दीज डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आंसर नेक्स्ट जीन का फ्लो भाई साहब जीन का फ्लो मतलब अभी मैंने कहा जब कोई चीज़ बाई चांस हो रही है चांस इवेंट से हो रही है वो है जेनेटिक ड्रिफ्ट लेकिन जब यही इवेंट जैसे मान लो जैसे मान लो किसी एक एरिया से किसी एरिया ए से कुछ लोग एरिया बी की तरफ जा रहे हैं एरिया बी की तरफ जा रहे हैं यहाँ से कुछ लोग एक या दो मेंबर धीरे धीरे जा रहे हैं और इन्हें लगा कि बी वाली जगह ज्यादा खूबसूरत ज्यादा सुंदर है तो ये लोग जो यहां से यहां तक जा रहे हैं इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं जीन माइग्रेशन मतलब हो सकता है उद्योग धंधे की तलाश में जा रहे हो जॉब की तलाश में जा रहे हो किसी सर्च में मतलब मेट सर्च में जा रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड खोजने जा रहे हो मतलब जा रहे हैं लेकिन गए तो पता चला अरे वाह भाई साहब वाह यहाँ पे तो लड़कियों के साथ साथ अशरफियां भी हैं दारू भी है सब कुछ है जिंदगी जीने का सारा साधन है गाड़ी बंगला सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है तो लोगों को लगा भाई बढ़िया कह रहे ये तो बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं तो कह रहे उनके पीछे पीछे तीन भी आए चार भी आए पाँच भी आए छह भी आए और ये कई बार होने लगा बार बार होने लगा कह रहे जब ये माइग्रेशन पहली बार हुआ इसे कह रहे हैं जीन माइग्रेशन दूसरी बार हुआ ये भी जीन माइग्रेशन कह रहे तीसरी बार हुआ ये भी तो कह रहे हैं ये रिपीटेड टाइम जब हो जाता है इसी जीन माइग्रेशन को तो हम कहते हैं जीन फ्लो मतलब जो ए वाले लोग थे अब पूरा का पूरा अगर देखो तो यहाँ से यहां बी वाली जगह पर माइग्रेट करके आ चुके हैं तो जब इतना बड़ा चेंज हो जाता है तो इसे को कहते हैं जीन फ्लो है कि नहीं जैसे हमारे हिंदुस्तानी लोग अगर देखो तो हिंदुस्तानी लोग जाकर के कनेडा तो जा कर के बस गए तो कनेडा विच जा कर के बस गए तो आज कन्फ्यूज़न होती है कि कनेडा में पंजाब है कि पंजाब में कनेडा है कन्फ्यूजन है क्यों कम कन्फ्यूज़न है क्योंकि जीन माइग्रेट कर रहा है यहाँ के लोग वहाँ जा कर के बस रहे हैं वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं और इंटेंशनली इंटरेक्ट कर रहे हैं ये चांस इवेंट नहीं है बेटर रोजगार बेटर अवसर बेटर फैसिलिटी बेटर चीजों की तलाश में जब लोग मास में माइग्रेट करते हैं तो इसी को कहते हैं जीन फ्लो इसी को कहते हैं जीन फ्लो जब रिपीटेड टाइम्स हो जाती है तो ट्रांसफर ऑफ जीन बिटवीन जेनेटिकली डिस्टिंक्ट बट इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम फीमेल टू मेल अरे भाई साहब ट्रांसफर ऑफ जीन आउट साइड टू द्रोमोजोम ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम स्पर्म टू एक मतलब बर्बाद करके ही रख दिया है यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शन में केवल एक ऑप्शन किया है जेनेटिकली डिस्टिंग बट इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन तो आप देखेंगे इसी कहानी में हम सही बता सकते हैं आंसर ए बाकी सब बकवास अगला सवाल फाउंडर्स इफेक्ट है जो जेनेटिक ड्रिफ्ट का दूसरा भाई है सपोर्टिंग भाई है क्या कहता है लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन नहीं है ये अकर्स व्हेन न्यू पॉपुलेशन एस्टेब्लिश्ड बाई अ न्यू स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ये होती है बॉटल नेक इफेक्ट अकर्स वेन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ माइग्रेंट्स ऑफ पॉपुलेशन फॉर फ्रॉम विच दे केम एस्टेब्लिश्ड इन द न्यू एरिया तो इसे कहते हैं फाउंडर स्पीशीज और इसी इवेंट को कहते हैं फाउंडर्स इफेक्ट सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इनवेडेड ऑन लैंड जो लोग लैंड पे सबसे पहली बार आए थे वो थे प्लांट्स और एनसीईआरटी ने इसे क्लियर कट मेंशन किया है आंसर लिखेंगे बी ऑप्शन प्लांट्स मतलब एनिमल्स के लैंड पे आने से पहले ऑलरेडी प्लांट्स एस्टेब्लिश हो चुके थे हरियाली धरती पर आ चुकी थी कि इससे पहले कि एनिमल्स आते ह्यूमनस आते मछलियां जब एम्फीबियंस और एम्फीबियन से रेप्टाइल बनते फिर मैमल्स आते उससे पहले ही पेड़ पौधे जमीन पर फैल चुके थे उनका डाइवर्सिफिकेशन हो चुका था अगला सवाल है, -like, सही, बात है रामा -like, बिल्कुल सही बात है रामा से बना है रामापिथेकस ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस वेरी एंड वॉक लाइक गोरिला एंड चिंपैन बिल्कुल सही बात एग्रीकल्चर केम अराउंड वन लैक वन लैक नहीं टेन थाउजेंड होना चाहिए भाई टेन थाउजेंड ईयर्स बैक एंड ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड तो ये रॉन्ग हो जाता है वन टू थ्री करेक्ट हो जाएगा फॉल्स पूछा है क्या फॉल्स पूछा है ओहो oh, फॉल्स पूछा है तो ओनली वन ओनली फोर विल बी फॉल्स तो आंसर बनाएंगे डॉक्टर डी को डॉक्टर सी को तो स्टेटमेंट फोर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा स्टेटमेंट फोर रॉन्ग हो जाएगा तो आंसर सी बनेगा ओनली सी बाकी आप देखो ये सही ये सही ये सही अर्लीस्ट एनसेस्टर ऑफ रेप्टाइल्स एंड मैमल्स ये आप देखोगे एवोल्यूशन ऑफ द एनिमल्स का अगर आप देखते हो इधर रेप्टाइल लिखो इधर बर्ड्स लिखो इधर मैमल्स लिखते हो और यहां से अर्ली रेप्टिलियन एनसेस्टर से शुरुआत हुई थी अर्ली रेप्टाइल जो एक्सटिंक्ट हो गए उनसे शुरुआत हुई थी जिन्होंने डाइवर्सिफाई करके अपने आप को एक तरफ साइनेपसिडा बनाया था और एक तरफ सोरोपसिडा बनाया था सौरोजी द स्टडी ऑफ लेजर्ड ऐसे भी याद रख सकते हो तो सौरो मतलब इन्होंने सारे के सारे रेप्टाइल्स और बर्ड्स को एवॉल्व किया था लेकिन वहीं पे जो साइनेपसिडा थे इन्होंने सोरस थेरेपसीडा एंड देन मैमल्स को एवॉल्व किया था तो ये कहानी जो थी कुछ इस टाइप से गई थी मतलब इन सारे मैमल्स रेप्टाइल्स और बर्ड्स का जो ओरिजिनल एंसेस्टर था सोरोपसिड और साइनेपसिड ये दोनों के दोनों रेप्टाइल्स थे रेप्टिलियन एंसेस्टर थे जो बाद में आगे जाकर के मैमल्स बर्ड्स और रेप्टाइल्स में इवॉल्व हुए थे तो अगर क्वेश्चन पूछा अर्लीएस्ट एंसेस्टर ऑफ रेप्टाइल एंड मैमल्स तो आप देखोगे थीकोडॉन्ट नहीं आएगा थ्रेपसिड नहीं आएगा सोरोपसिड एंड साइनेपसिड सौरोपसिड एंड साइन सौरोपसिड रेप्टाइल्स और बर्ड में एवॉल्व हुए थे और साइनेप्सिड मैमल्स में एवॉल्व हुए थे तो आंसर बनाओगे आप डी ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा एवोल्यूशन खत्म तो एवोल्यूशन हो चुका है कंप्लीट पीवाई हमने करे हैं बहुत सारे और इन्हीं पी के थ्रू रिवाइज़ करना जरूरी था क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है एवोल्यूशन पढ़ते रह जाएंगे अगर पढ़ना शुरू करें पूरा थियरटिकल पार्ट है बहुत कम इसमें ऐसा पार्ट है जहां पे आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है कोशिश करी है कि उसमें भी जो मिला है हमें उसकी डेफिनेशन आपको समझा दी जाए कंसेप्ट आपको समझा दिए जाए एवोल्यूशन कंप्लीट कर दिया है अब बची है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज